नीमच जिले के जावद में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत के सहायक को 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल आवेदक ओम प्रकाश धाकड़ की शिकायत पर उज्जैन लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जावद जनपद पंचायत के सहायक लक्ष्मण गुर्जर को 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हिरासत में लिया। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदक ओम प्रकाश धाकड़ से उसकी बहनों के विवाह सहायता योजना के तहत 51,000 की राशि जारी करने के लिए लक्ष्मण गुर्जर ने 9,000 की रिश्वत मांगी थी। ये ओम प्रकाश धाकड़ ग्राम तुम्बा के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को दिनांक 4/9/2019 को कंप्लेंट किया कि इनकी बहन हेमा धाकड़ एवं अंजलि धाकड़ के नाम से 51,000 की विवाह सहायता योजना के लिए इनकी माँ लीलाबाई धाकड़ ने आवेदन किया था 23/5/2019 को, जिस पर से दोनों की 51,000 रुपये की राशि स्वीकृत हो गई। उक्त राशि में से एक बहन के 51,000 रुपये इनके द्वारा खाते में डाल दिए गए थे माँ के। दूसरे बहन के जो 51,000 रुपये डालने के लिए इनके द्वारा 9,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, इस पर से एक ट्रैप प्लान किया गया। इनकी आवाज़ दिनांक 5 तारीख को रिकॉर्ड कराई गई, जिसमें इन्होंने 6,000 रुपये में सौदा तय हुआ। 6,000 रुपये लेकर आज 7 तारीख को इन्होंने अपने घर पर यहाँ जावद बुलाया था और आज यहाँ होटल पर इन्हें 6,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने सहायक को 6,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज़, नीमच।